हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। आपने एसी सर्किट तो पढ़ रखा है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। घरों में आपके जो लाइट आ रही है वो एसी है, ठीक है, और जितनी भी बैटरी से या सेल से आ रही है वो डीसी करंट है, और घर में जो लाइट आ रही है दैट इज एसी। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट का मतलब क्या हुआ? तो हम तीन कंपोनेंट आपको डिस्कस कर रहे हैं। एक तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब सीधे ये वायर सर्किट में लगा है और खाली यही लगा हुआ है, जैसे मैंने ये बना दिया तो ये हो गया सर्किट हैविंग ओनली रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरा क्या है? अगर मैं इसको कॉयल लगा दे रहा हूं तो ये क्या है? इंडक्टर। तो बोलेंगे एसी सर्किट हैविंग इंडक्टर। वो रेजिस्टेंस था, ये इंडक्टर था। और इसके बाद इसमें अगर हम कैपेसिटर लगा दें एसी सर्किट में तो ये कहलाएगा सर्किट हैविंग ओनली कैपेसिटर। यस, अब देखिए कुछ चीजें, जैसे सर्किट में केवल रेजिस्टेंस है तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? ऑलरेडी रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? आर। और ये क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन अगर यहां पर एक कॉइल लगी हुई है तो ये होगा एल, इंडक्टर। और ये क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस सर्किट का क्या कहलाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको डिनोट किससे करेंगे? आर तो होगा नहीं, तो इसको डिनोट करेंगे एक्स से। और इसके क्या होगा? एक्स एल, एल फॉर इंडक्टर। तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यही अगर हम यहां पर कैपेसिटर यूज करेंगे तो कैपेसिटी सी है तो ये क्या कहलाएगा? ये भी रिएक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये भी रिएक्टेंस होगा। और इसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सी लगाए, और इसको कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो अब इस इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इस सब को जानने के लिए, या रेजिस्टेंस या प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर सर्किट में फेस डायग्राम क्या होगा? फेस डायग्राम का मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रही है, और लीड कर रही है तो किस वैल्यू से लीड कर रही है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट में। सबसे पहला टॉपिक, व्हेन सर्किट इज हैविंग रेजिस्टेंस, इसको साइड में आप नोट करिए वीडियो पॉज करके, और मैं नए टॉपिक को बताता हूं। यस स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहला सर्किट है व्हेन सर्किट इज हैविंग ओनली रेजिस्टेंस। सर्किट ये बना हुआ है रेजिस्टेंस और एसी सोर्स, जिसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। रेजिस्टेंस R है, तो कहते हैं सर्किट इज शोन बिलो। इफ एट एनी इंस्टेंट I करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट देन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? E इज इक्वल टू I इंटू आर, यस, बट E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड therefore E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, एंड therefore I इज इक्वल टू E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, एंड दिस यू कैन राइट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर। तो आपका ई ये है और आई ये है, ठीक है, ये ई है और आई है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी यानी सेम फेस, फेस में कोई डिफरेंस नहीं है, साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब जिस समय करंट स्टार्ट होगी ठीक उसी समय पोटेंशियल
का ग्राफ स्टार्ट होगा। और अगर इसको हम साइन कर्व से दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए कि अगर जैसा फेज डिफरेंस बताया था मैंने, ये अगर आई है तो वी क्या होगा, ये वी है और ये आपका क्या है आई, कैसे ओमेगा टी एंड ओमेगा टी, यानी फेज डिफरेंस जीरो, यानी जिस समय करंट जीरो उस समय आई जीरो, जिस समय करंट मैक्सिमम उस समय वी मैक्सिमम, फिर दोनों जीरो, फिर दोनों मैक्सिमम, यानी एक साथ जीरो और एक साथ मैक्सिमम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब हम फेज डायग्राम की बात करें तो फेज डायग्राम अगर देखिए आप, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर करंट का फेज क्या है ओमेगा डी, तो इसको अगर हम आई बोले तो वी क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी सेम, यानी यही आपका वी भी होगा, यानी वी और आई सेम फेस में है जो कि यहां पर दिखाई दे रहा, और ये क्या है दिस इज योर ओमेगा टी। तो स्टूडेंट समझ में आ गया, ये सर्किट कौन सा है जिसमें केवल रेजिस्टेंस है, और इस केवल रेजिस्टेंस में जब हमने सोर्स हमारा E is equal to E not sin omega t का है तो करंट हमारी क्या आ रही है I is equal to I not sin omega t, I not क्या है E not by R, E not और I not क्या है ये हमारी पीक वैल्यू है, क्या ये दिस इज योर I not एंड दिस इज योर V not, ये पीक वैल्यूज हैं। ठीक है, और इनके रिलेशन क्या है E not I not is equal to E not by R, साइन कर दिखाया गया है फेस दोनों सेम फेस में है एक साथ ओमेगा टी किसी इंस्टेंट पर जो फेस आई और वी का है, यस कहीं पे कोई फेस डिफरेंस नहीं है, क्लियर। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट सर्किट बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज फॉर द सर्किट हैविंग ओनली इंडक्टर, इंडक्टर भी से कॉइल सर्किट यह बना हुआ है, इसमें करंट फ्लो करेगी। तो पहले मैं आपको समझा दूं, देखिए अगर इसमें करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, एसी करंट है, एसी करंट का मतलब ये वेरिएशन जीरो से मैक्सिमम से जीरो से मैक्सिमम, और जिसकी वजह से लगातार यहां ईएमएफ बढ़ेगा घटेगा, यानी करंट भी बढ़ेगी घटेगी इसमें जो पास होगी, तो जब करंट लगातार चेंज होगी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और वो क्या होगा बैक ईएमएफ होगा, कॉस को अपोज करेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एसी अगर डीसी फ्लो करेगी तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, इंस्टेंट प्रोड्यूस होगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर लगातार एसी फ्लो करेगी तो मैक्सिमम मिनिमम वेरिएशन की वजह से लगातार ईएमएफ चेंज होता रहेगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यस उस ईएमएफ को हम लोग कहेंगे बैक ईएमएफ। तो अब किसी इंस्टेंट पर नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, सोर्स तो हमारा ईएमएफ ये है, सोर्स का ईएमएफ क्या है इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और किसी इंस्टेंट पर बैक ईएमएफ क्या होगा इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है इज इक्वल टू माइनस ई डीएल बाई डीडी। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन में क्या पढ़ा आपने, आपने ई इज इक्वल टू अरे ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डीडी, यही तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, सेल्फ इंडक्शन ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डीडी। तो जब इसमें यह प्रोड्यूस होगा बैक ईएमएफ और मेन ईएमएफ सोर्स का ये है तो नेट क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस। ठीक है, अब हम इसको जो मैंने लिख रखा है वो आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये सर्किट है, सर्किट इज शोन बिलो, एल यानी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज विच इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा डी, क्वेश्चन नंबर वन। ध्यान ये रखिएगा कि इसमें रेजिस्टेंस जो है जीरो है, इस तरीके से इंडक्टर है कि रेजिस्टेंस जीरो है, राइट right? तो आप क्या कहते हैं वेन अल्टरनेट करंट फ्लोज बैक ईएमएफ यानी माइनस एल डी आई बाई डी टी प्रोड्यूसेस, माइनस एल डी आई बाई डी टी प्रोड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर लगातार ईएमएफ चेंज हो रहा है उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको हम बैक ईएमएफ बोलेंगे। ठीक, तो नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या हो जाएगा दिस माइनस बैक ईएमएफ दिस वन, यानी ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, और क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है जीरो, जब सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, जो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना, इंड्यूस नहीं नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ई
माइनस एल डी आई बाई डी टी जीरो हो जाना चाहिए, यही देयर इज नो रिजल्टेंट नो रेजिस्टेंस देयरफॉर ईएमएफ शुड बी जीरो. तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी जीरो यानी ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. ई क्या है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी यानी डी आई इज इक्वल टू दोनों तरफ इंटीग्रेट किया डी आई को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा करंट आई. तो डी आई इज इक्वल टू दिस, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये किया, ये मैथमेटिक्स आपको आती है, ये रिलेशन आता है इक्वेशन नंबर टू. अब वन और टू को आप चेक करिए, वन में ई है साइन ओमेगा टी, टू में आई है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. इसका मतलब क्या हुआ करंट पिछड़ रही है लैग कर रही है कितने फेस से पाई बाई टू से. तो अगर हम इसका साइन डायग्राम साइन कर्व बनाएंगे तो क्या होगा अगर आई हमारी ये है तो वो वी क्या हो जाएगा ये डिफरेंस कितना पाई बाई टू का, ये डिफरेंस कितना पाई बाई टू का, ये डिफरेंस कितना पाई बाई टू का, यानी वोल्टेज ये हमारा है वोल्टेज एंड दिस इज करंट. तो वोल्टेज क्या हो रही है लीड कर रही है पाई बाई टू से. अब अगर हम फेज डायग्राम दिखाएं एक्स वाई एक्सिस पे देखिए, तो एक्स वाई एक्सिस की बात करें तो क्या लीड कर रहा है भाई वोल्टेज करंट आपकी लैग कर रही है और लीड कर रहा है वोल्टेज. तो क्या होगा अगर ये हमारा आई ओमेगा टी तो इस पे 90 डिग्री पे वी की जगह ई हो जाएगा, यानी ये फेज डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, यानी करंट अगर ये है तो वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा यस, और करंट किसी स्टैंड पर ओमेगा टी फेस पे है तो फेस डिफरेंस दोनों के बीच का 90 डिग्री. अब ये तो समझ में आ गया आपको ना कि ई जो है ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो क्लियर क्या हुआ, क्लियर ये हुआ कि प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करती है पिछड़ती है और कितने से बाय फेस 90 डिग्री. रेजिस्टेंस में क्या था दोनों सेम फेस में थे, रेजिस्टेंस वाले कंडीशन में दोनों सेम फेस में थे, लेकिन तभी वी और आई एक साथ दिखाया था या दोनों एक साथ जीरो एक साथ मैक्सिमम हो रहे थे, लेकिन इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री से और ये साइन कर रहा है, ये फेस डायग्राम है. अच्छा अब एक चीज देखिए, मैंने इस पूरे टर्म को क्या कहा है आई नॉट, तो I नॉट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू E बाई R होता है ना, तो I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई ओमेगा L. अब I नॉट इज इक्वल टू E बाई R होता है तो ये क्या हो गया रेजिस्टेंस हो गया ना, लेकिन रेजिस्टेंस जीरो है सर्किट का तो हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे रिएक्टेंस, जो मैंने शुरू में कहा था रिएक्टेंस के बारे में बात करेंगे. तो ये हो गया रिएक्टेंस और क्योंकि इंडक्टर के साथ है तो इसको हम बोलेंगे ओमेगा L इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसको डिनोट किससे करेंगे XL से, तो XL इज इक्वल टू ओमेगा L एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा की जगह 2 पाई एन इंटू एल. ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है प्योर इंडक्टर के सर्किट में. बात समझ में आ गई, कोई डाउट? प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेस में होते हैं, फेस डिफरेंस जीरो होता है, रेजिस्टेंस को प्योर रेजिस्टेंस बोलते हैं. इंडक्टर के केस में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री से लीड कर रही है या करंट वोल्टेज से 90 डिग्री से लैग कर रही है, फेस डायग्राम दिखाई दिया. और जो रेजिस्टेंस होगा इस कंडीशन में इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल करके रिएक्टेंस बोलेंगे और कौन सा इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल या 2 पाई एन एल और यूनिट क्या होगा रिएक्टेंस भी तो रेजिस्टेंस ही है भाई तो ओम ही होगा ना तो इसका यूनिट क्या होगा ओम राइट. वीडियो पॉज करिए इसको नोट करिए. तीसरा केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. Now third case, that is circuit is having only capacitor, no resistance, negligible resistance. तो circuit ऐसे बना हुआ है,
सोर्स का ईएमएफ क्या है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्वेश्चन नंबर वन। इसमें क्या हो रहा बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर कैपेसिटर को किसी डीसी सोर्स से जोड़ते तो क्या होता, करंट फ्लो करती, ये चार्ज हो जाता, और जब ये फुल चार्ज हो जाता कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता, उसके बाद करंट फ्लो ही नहीं करती। यानी किसी डीसी सोर्स में अगर कैपेसिटर लगा दें तो जब जितनी देर के लिए कैपेसिटर चार्ज होता केवल उतनी देर करंट फ्लो करती, उसके बाद करंट फ्लो नहीं करती है। लेकिन एसी में क्या होगा, क्योंकि बढ़ेगी घटेगी, बढ़ रही घट रही, यानी चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही इसकी कैपेसिटर की ना लगातार, जब ई हमारा बढ़ रहा है तो चार्जिंग होगी, जब घटेगा तो डिस्चार्जिंग होगी, यानी करंट फ्लो करेगी। तो वही कहते हैं ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर एसी एग्जिस्ट इन द सर्किट, एसी फ्लो करेगी एट एनी इंस्टेंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होगा। तो V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। लेकिन क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो Q इज इक्वल टू C और V की जगह ये वैल्यू रख दी, यानी C इंटू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमको क्या चाहिए, V ऑन करंट, तो I इज इक्वल टू DQ बाई DT होता है ना, I इज इक्वल टू DQ बाई DT। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो करंट एट एनी इंस्टेंट I इज इक्वल टू DQ बाई DT, यानी D बाई DT, Q की जगह ये वैल्यू पुट किया, डिफरेंशिएट किया, व्हाट विल गेट, I इज इक्वल टू ओमेगा C E नॉट cos ओमेगा T, इसको अरेंज किया तो I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा T प्लस पाई बाई टू। ये I नॉट क्या हुआ, ये वैल्यू I नॉट हो गई, यानी I नॉट वेयर I नॉट इज इक्वल टू ओमेगा C E नॉट, इसको क्या किया, E नॉट और ओमेगा C को नीचे ले गए, यानी 1 बाई ओमेगा C, यस। अब सुनिए, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 करिए, तो 1 और 2 जो दिखाई दे रहा है इसमें I प्लस पाई बाई टू, यानी करंट लीड करेगी, यानी कैपेसिटर के केस में करंट लीड करेगी, और कितने फेज से, पाई बाई टू से, वोल्टेज से पाई बाई टू फेज से लीड करेगी करंट कैपेसिटर के केस में। इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करता है पाई बाई टू से, रेजिस्टेंस के केस में दोनों सेम फेस में रहते हैं। तो अब हमको जरा साइन कर्व अगर देखना है तो साइन कर्व देखिए, अगर आई हमारा ये है आई, दिस इज योर आई, तो वी क्या होगा, ये हो जाएगा, दिस इज योर आई एंड दिस इज आई आपका है ये, और V है ये, और लीड कितना कर रहा है, पाई बाई टू, लीड कितना कर रहा है, पाई बाई टू, क्या लीड कर रहा है, आई, आई पहले शुरू है, आई पहले शुरू है, कितना, पाई बाई टू। तो अब इसका अगर हम फेस बनाएं तो फेस में देखो क्या लीड कर रहा है, करंट, तो ये हो जाएगा आपका V ओमेगा T और 90 डिग्री पर I, और I लीड कर रहा है पाई बाई टू, और ये आपका फेस डायग्राम है, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। अब ये आपका जो आया x इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ये चीज I इज इक्वल टू E बाई R होता है, तो इसको रेजिस्टेंस बोलना चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस तो है नहीं, रेजिस्टेंस जीरो है, तो इसको हम रिएक्टेंस बोलेंगे, डिनोट करेंगे xc से, x इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा की जगह 2 पाई n, यानी xc इज इक्वल टू 2 पाई n c, और xc क्या है, xc इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट, जो टॉपिक मैंने शुरुआत में कहा था रिएक्टेंस डिस्कस करेंगे, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस, पिछले वाले में इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यूनिट क्या होगा, ओ, राइट। तो अभी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको डिफरेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के सर्किट बताए हैं, अब हम सीधे आपको एक ऐसा सर्किट बताएंगे जिसमें एल सी आर तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।